Hello, I am Dr. Amandeep Bijral, and on the behalf of Amandeep Healthcare Private Limited, I extend my heartfelt greetings to you and welcome you for the Atmanirbhar Covid home care plans. This is an introductory video which focuses on the introduction and usage of the articles and equipment for the self-assessment of the patient during the self-isolation and maintain a safe environment for the family and the patient. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ किट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ कुछ समान भी ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ कि बुखार की जाँच ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ की जाँच ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬ और बीपी की जाँच ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ बीपी ਆਪਰੇਟਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अपना ध्यान ਰੱਖਣ ਲਈ भी कुछ समान ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है ਜਿਵੇਂ कि ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ कुछ मास्क, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ और ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਮ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ है ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ और एक टैबलेट की स्ट्रिप। ये जी मेडिकेशन है असी डॉक्टर की हिदायत के अनुसार ही लैनी है। हुण असी गल करते हैं समान की वरतों बारे। सब तो पहला डिजिटल थर्मामीटर, इसका इस्तेमाल असी मरीज़ के बुखार की जाँच लिए करना है। इस उपर लगे हुए बटन को प्रेस करना है जिसके बाद ऑन हो जाएगा और ऑन करने के बाद असी इस डिवाइस को मरीज़ की अंडरआर्म से रखना है कपड़े के अंदर तो, और कुछ मिनट वेट करने के बाद जब सानू एक बीप की साउंड आ जाती है उस टाइम असी इस डिवाइस को मरीज़ की बांह के हेठों कढ लेना है तो उस उपर दिखाए गए डिजिट्स को असी उस दे वाइटल चार्ट उपर अंकित कर देना है। इस तो बाद सानू एक पल्स ऑक्सीमीटर दिता गया है जिस तरह किसी मरीज के सैचुरेशन की जाँच करते हैं। इस डिवाइस के सानू एक डिवाइस, दो सेल्स और एक डोरी मिलती है जो कि कुछ इस तरह की डिवाइस बन के तैयार हो जाएगी। बैक वाले पैनल को ओपन करने के बाद दोनों सेल्स को इंसर्ट करना है और सैचुरेशन प्रोब इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। इस यूज़ करने के लिए असी फस्ट बटन को क्लिक करना है और इस डिवाइस को पंच करके असी मरीज़ की फिंगर में ये इंसर्ट करना है और कुछ देर हार्ट बीट रिकॉर्ड करने के बाद ये सानू साडी सैचुरेशन की जाँच दस देगी। बीपी की जाँच करने लिए एक बीपी अपरेटर्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर सानू एक इलैक्ट्रिकॉनिकल डिवाइस मिलती है जिसनों असी सैल पा के यूज़ दी रेडी करना है। उस नाल एक वेलक्रो बेल्ट भी ट्यूब सानू मिलता है। इस वेलक्रो बेल्ट को असी पेशेंट की आर्म के उपर राइट या लैफ्ट किसी भी आर्म से अटैच करना है। बस असी ये ध्यान रखना है कि इस जी ट्यूबिंग है इस जी मरीज़ की कूहनी के बिल्कुल सेंटर च होए और इस बेल्ट की अटैचमेंट कूहनी तो 3 फिंगर उपर होनी चाहिए है। और बेल्ट के दूसरे एंड को असी डिवाइस के होल के अंदर इंसर्ट कर देना है और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस दे बाद मरीज़ के बीपी की जाँच करेगा। कुछ देर हवा भरने के बाद हवा घटना शुरू होती है और उसके बाद इस उपर बीपी अंकित हो जाता है। हत्थों की सफाई लिए सानू एक क्लीयर वाइट लिक्विड मिलता है जिन्होंने सैनिटाइजर के नाम तो जानते हैं। रेड बटन ऊपर लिफ्ट करना है और 2 ड्रॉप्स अपने हाथ उपर लेना है। उसके बाद असी 6 स्टैप्स फॉलो करने हैं हथ फ्रंट टू बैक। फिंगर्स को क्रॉस करके उंगलियां मोड़ के अंगूठियां अच्छी तरह नाल रब करते हुए नाखूनां नूं करते हुए और अंत विच कलाई नूं करते हुए साफ असी अपने हत्थां नूं साफ कर लेना है। उसके बाद ही असी मरीज़ के कमरे की चादर या मरीज़ के कपड़े या मरीज़ के किसी चीज़ को छूना है और छून तो बाद असी दोबारा अपने हत्थों को सेम ढंग नाल ही साफ करना है। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जिसका कि इस्तेमाल मरीज़ के कपड़ियां की धुलाई लिए, मरीज़ के कमरे की सफाई के लिए और मरीज़ की चादर की धुलाई लिए होंदा है। उसनूं बनाउण दी विधि इस उपर अंकित भी है और बहुत ही सरल है। असी सोल्यूशन का एक ढक्कन सोल्यूशन 5 लीटर पानी के अंदर पा देना है और उस नाल ही असी मरीज़ के कमरे की सफाई करनी है और मरीज़ के उतरे हुए कपड़े और मरीज़ के कमरे से बिछाई गई चादर को भी असी इस भिगो के ही रखना है। खुद पहनया हुआ मास्क या मरीज़ के मुँह तो उतारा गया मास्क ही असी इसके अंदर अद्धे घंटे लिए पा के रखना है और उसके बाद मास्क को असी डिस्कार्ड कर सकते हैं पर मरीज़ के कपड़े और मरीज़ की चादर को आम साबुन डिटर्जेंट धो के धुप में सुखा के दोबारा वरतों भी कर सकते हैं। इस दे नाल ही सानू कुछ मास्क भी दिते गए हैं जो कि असी अपने मूँह को ढकने लिए इस्तेमाल करने हैं। मास्क को इस्तेमाल करने की विधि बहुत ही आसान है। असी सिर्फ वाइट वाले बेल्ट्स वाले पोर्शन को ही टच करना है, ब्लू पोर्शन को असी अपने हाथों टच नहीं करना और बिना ब्लू पोर्शन को टच किए ये वाइट को टच करते हुए मास्क को असी कान के ऊपर इंसर्ट करना है और दूसरे कान के ऊपर भी इंसर्ट कर देना है और उतारण लग्या भी असी वाइट पोर्शन तो ही मास्क को रिमूव करना है ब्लू पार्ट को टच किए बगैर। उम्मीद है कि वीडियो में दिती गई जानकारी तुहाडे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होएगी। इस दे इलावा कुछ साढ़े प्रिंटेड पेपर्स भी इस किट दे नाल तुहानू दिते गए हैं जिस विच कि मरीज़ अते मरीज़ का ध्यान रखने वाले केयर टेकर लिए कुछ हिदायतों की सूची बनाई गई है जिसका कि तुसीं घर च पूरा अच्छी तरह नाल पालन करना है। फिर भी अगर थानू कदे भी कोई दिक्कत आती है तो तुसीं साडे हैल्पलाइन नंबर पर भी सानू संपर्क कर सकते हो, जो कि है 9855444440। असीं सब ने रल के अपने देश को कोरोना वायरस नाम की नामुराद बीमारी तो मुक्त करना है, और तुसीं मुक्त उदों ही कर सकते हैं जब असीं रल के एक दूजे का साथ देवांगे। साथ देने के लिए असीं मरीजों का भी ध्यान रखना है और मरीज़ का ध्यान रख रहे डॉक्टरों को भी सहयोग देना है। धन्यवाद।